नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक बोट नेक का डिजाइन बना करके दिखाने वाला हूं। इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्रंट को यहाँ पे इस तरीके से ओपन करना है ऐसे, और यहाँ पे हम एक पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई हमारी इस तरीके से 6 इंच की होगी और लंबाई हमारी यहाँ पे 14 इंच की होगी। इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरीके से चिपका देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है। अब हम इसको फिर से डबल करेंगे ऐसे, और यहाँ पे जो भी हमें नेक तैयार करना है, जैसे बोट नेक का तैयार करना है, उस हिसाब से निशान लगाएंगे। ब्रॉड लेंथ रखेंगे 4.5 और डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे 4 इंच, और यहाँ पे इस प्रकार की शेप डालते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बोट नेक की शेप कटिंग कर ली है। तो ये देखिए दोस्तों, नेक लाइन तो हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट हमारा इस तरीके से आएगा। अब हमें यहाँ पे डिजाइनिंग डालनी है। तो यहाँ पे जो बॉटम है हमारी वो व्हाइट की है, तो हमने यहाँ पे एक ये पीस लिया हुआ है इस तरीके से। इसके ऊपर भी हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की जो ये पट्टी है ये चिपका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पेपर पेस्टिंग यहाँ पे पेस्ट कर ली है। अब हमें एक इस तरीके का ट्रायंगल शेप का पीस कटिंग करना है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये यहाँ पे ये 2.5 इंच आएगा, और इस तरीके से भी 2.5 इंच का आएगा। तो 2.5 इंच का हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप का पीस इस तरीके से कटिंग कर लिया है। आप चाहे पेपर का कर लें, चाहे बुकरम में से कर लें, और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और एक एक करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। दूसरा निशान हम यहाँ पे हल्का इस साइड में मार्जिन छोड़ना है, और मार्जिन छोड़ के यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सभी पीसों के निशान लगा लिए हैं जितने हमें चाहिए। अब हमें बाहर की साइड यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखना है इस तरीके से, और ऐसे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, और नीचे से बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग करेंगे इस साइड से। सिर्फ हमें इधर मार्जिन रखना है। ऐसे ही मैं यहाँ पे सब पीस कटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे काफी सारे पीस इस तरीके से रेडी कर लिए हैं ट्रायंगल शेप के कटिंग करके। अब हम मशीन के ऊपर चलेंगे, सबसे पहले तो इनको तैयार करना सीखेंगे, फिर नेक लाइन कैसे तैयार करते हैं वो सीखेंगे। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ट्रायंगल शेप के पीस तैयार करेंगे। तो नीचे की साइड कपड़ा रखेंगे ऐसे, और जो हमने निशान लगाया है निशान के ऊपर हमें लगानी है यहाँ पे सिलाई। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम बीच से पलट लेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, फिनिशिंग के साथ में हमने नोक निकालनी है। तो एक साइड हमारा यहाँ पे सेम ऑरेंज वाला कपड़ा रहेगा, दूसरी साइड रहेगा हमारा व्हाइट वाला। इस तरीके से सुई की मदद से यहाँ पे नोक निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे नोक निकाल ली है। एक साइड व्हाइट आएगा और दूसरी साइड आएगा हमारा यहाँ पे ऑरेंज कलर। तो अब हम इसको यहाँ पे इस साइड से सील लेंगे। एक साइड से ही सीलना है। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे ट्रायंगल शेप का पीस ये रेडी हो जाएगा ऐसे।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो पीस ऐसे तैयार कर लिए हैं, इस तरीके से आएंगे, एक साइड में वाइट और एक साइड में ऑरेंज कलर। बाकी के सभी ट्रायंगल शेप के पीस ऐसे ही हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सभी ट्रायंगल शेप के पीस हमने कर लिए हैं रेडी। अब हमें इन्हें नेक लाइन पे लगाना है एक एक करते हुए। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, आप इनमें से कोई भी अंदर की साइड रख सकते हो, साइड कोई सी भी बाहर की साइड रख सकते हो, बस ध्यान रहे इस तरीके से सेंटर बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं व्हाइट अंदर रखूंगा और ऑरेंज वाला बाहर करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ऊपर की साइड हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई का, और उसके बाद यहाँ पे इनको अटैच करते जाएंगे। फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। ये देखिए, ये व्हाइट अंदर की साइड रखना है और ऐसे फोल्ड करना है, और फिर दूसरा इस तरीके से फोल्ड करना है। तो दोनों साइड का फोल्ड हमारा यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा इस तरीके से, और इसी के साथ में हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सभी पीस हमने यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर लिए हैं। लगाने के बाद सभी पीसों को हम नीचे की साइड से यहाँ पे पट्टी स्टार्ट करेंगे लगाना व्हाइट कलर की। जो ये पट्टी है हमने ओरेब में ली है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 1.5 इंच की होनी चाहिए। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और जो सिलाई का मार्जिन है उस सिलाई के मार्जिन का ही ध्यान रखते हुए हम लगाएंगे सिलाई। पट्टी लगाने के बाद अब हम सीधी साइड में इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है पूरी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये फोल्ड होने के बाद पट्टी नजर आनी चाहिए, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर की साइड यहाँ पे लगा दी है पट्टी, और पूरी डिजाइनिंग हमारी यहाँ पे कितनी प्यारी सी ये कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से आप भी प्लेन कुर्ती या प्रिंटेड कोई भी कुर्ती को बोट नेक का अगर गला बनाना हो तो इस तरीके की डिजाइन आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।